आदरणीय सभापति जी, मैं आज यहां किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना नहीं चाहता, लेकिन तथ्यों को देश के सामने रखना जरूरी है और इसलिए मैं तथ्यों को रखना चाहता हूं। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और मैं इसलिए एक परिवार का उल्लेख करता हूं कि 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। इसलिए देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है। और इस परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति, इसकी परंपरा निरंतर चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी। आदरणीय सभापति जी, 1947 टू 1952 इस देश में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, एक अस्थाई व्यवस्था थी, एक सिलेक्टेड सरकार थी और चुनाव नहीं हुए थे। और जब तक चुनाव ना हो तब तक एक इंट्रीम व्यवस्था के रूप में कोई खाका खड़ा करना चाहिए, किया गया था। 1952 के पहले राज्यसभा का भी गठन नहीं हुआ था, राज्यों में भी कोई चुनाव नहीं थे, जनता का कोई आदेश नहीं था। उसके बावजूद भी, और अभी अभी तो संविधान निर्माताओं ने इतना मंथन करके संविधान बनाया था, 1951 में जबकि चुनी हुई सरकार नहीं थी, उन्होंने ऑर्डिनेंस करके संविधान को बदला और किया क्या, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया। और ये संविधान निर्माताओं का भी अपमान था, क्योंकि ऐसी बातें कोई संविधान सभा में नहीं आई होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां उनकी चली नहीं। तो बाद में जैसे ही मौका मिला उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी को, उस पर उन्होंने हथौड़ा मार दिया। और ये संविधान निर्माताओं का घोर अपमान है। अपने मन की चीजें जो संविधान सभा के अंदर नहीं करवा पाए उन्होंने पिछले दरवाजे से किया, और वो भी चुनी हुई सरकार के वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने पाप किया था। इतना ही नहीं